गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आर्ट में थैंकफुल ट्री बनाएंगे। आपकी आर्ट बुक में इसका ये क्राफ्ट का सब्जेक्ट है। आपकी आर्ट बुक में जो दिया है तो इस प्रकार से कलर पेपर आपको लाना है, छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट कलर के। इसके ऊपर आप अपना हाथ रखने का और बाद में ड्राइंग करने का, ऐसे हाथ रखने का, देखो ऐसे हाथ रखने का आपका आपका छोटा है नीचे। और बाद में क्या करना है कि या पेंसिल से ड्राइंग करना है। हैंड प्रिंट लेना है अपने को, तो जहाँ हाथ की फिंगर है वहाँ आप पेंसिल से ऐसे आउटलाइन कर देना है, ऐसे ऐसे। इसके बाद ये देखो इस प्रकार से आउटलाइन कर दिया। बाद में सारे पेपर पीछे रख देने का, कलर पेपर, और इसको कटिंग करना है, सीजर से कटिंग करना है। सीजर से इस प्रकार से सारे पेपर नीचे रख के एक साथ सभी पेपर कट जाएंगे, ऐसे देखो ये सीजर से ऐसे कटिंग करना है, जहाँ पर आउटलाइन किया इसके ऊपर ऐसे। ये कटिंग लाइन के ऊपर ही कटिंग होना चाहिए। कटिंग अच्छी तरह से करना, टेढ़ा मेढ़ा कटिंग नहीं करना। जहाँ ड्राइंग है वहाँ ही कटिंग होना चाहिए। सीजर ठीक से चलाना। ये सारे पेपर ज़्यादा है इसलिए बड़ी पेपर बड़ी सीजर काम में आएगी, छोटी सीजर से नहीं कटता है कभी कभी। इस प्रकार से सारे पेपर कट जाएंगे ऐसे एक साथ, और सेप भी सेम आएगा सब सभी पेपर में। ये लास्ट फिंगर में काट रहा हूँ ऐसे। ऐसे अभी देखो सारे पेपर एक जैसे कट गए। अभी उसको अलग अलग कलर में ऐसे सेटिंग कर लेना, ऐसे ऐसे एक एक कलर के दो दो पेपर लिया है इस प्रकार से ऐसे। और बाद में क्या करना है, इसको फेविकॉल से चिपका देने का है। और जो ट्री है, ट्री का शेप है, ये ट्री का शेप ऐसे पेंसिल से ड्राइंग कर लेना पहले। ट्री का शेप ये जो बेस है नीचे का, ये पेंसिल से ड्रॉ करने का, बाद में सीजर से काट लेना ऐसे ऐसे। जहाँ पर लाइन से ड्राइंग किया है उसी के ऊपर सीजर चलनी चाहिए। ये तो शेप बिगड़ जाएगा,
ड्राइंग के ऊपर ही ऐसे सीजर से काटना है, ऐसे। ऐसे पूरा मतलब ये नीचे का पोर्शन कट गया। अब क्या करेंगे, उसके नीचे है ये ट्री का पोर्शन काटा, नीचे की तरह एक ग्रीन पेपर लेना है, इसके ऊपर ग्रास का ड्राइंग कर देना, बाद में कटिंग करना है, ग्रास का शेप कटिंग करना है ऐसे। ऐसे ये धीरे धीरे काटोगे ना अच्छी तरह से कटेगा, जल्दी जल्दी काटोगे तो शेप बिगड़ जाएगा। आराम से काटना ध्यान रख के, ग्रास का शेप दिखना चाहिए। ये देखो ये ग्रास का शेप काट लिया। अब क्या करना है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर ऐसे पेस्ट करना है फेविकॉल से। इसको ऐसे फेविकॉल से चिपकाना है, फेविकॉल लगा के मैं लगाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर फेविकॉल लगाया, ऐसे इस प्रकार से ये चिपका दिया मैंने, ये ट्री का बेस हो गया नीचे का। अभी क्या करना है, जो ऊपर जो है तो ये जो हैंड का जो हमने बनाया था वो भी सब एक के ऊपर एक करके चिपका देंगे ऐसे, ट्री का शेप ऐसे हो जाएगा। तो पीछे की इसके ऊपर फेविकॉल से चिपकाना है एक एक करके, वन बाय वन फेविकॉल से चिपकाना है। डिफरेंट डिफरेंट कलर लेना है, एक एक कलर दो दो बार रिपीट होता है। जैसा शेप बनाना चाहो ऐसा शेप बन जाएगा ट्री का ऐसे। एक दो बचे हैं, इसको ऊपर लगा देंगे ऐसे ही, और कहीं लगा देंगे ऐसे। देखो इस प्रकार से ये पूरा शेप बन गया ट्री का। अब उसको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे सेट करना है, ऐसे चिपकाना, ऐसे चिपकाना है इसके ऊपर, फेविकॉल से चिपकाना है। तो इसके ऊपर पहले फेविकॉल लगाएंगे,
देखो देखो, इस प्रकार से ये इस प्रकार से चिपकाना है। ये हो गया पूरा ट्री, टैंक पुल ट्री।